सोचो कि आप इटली गए हुए हैं छुट्टी मनाने के लिए और आप वहाँ की मूल भाषा नहीं जानते हैं। आप वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ कैसे बात करेंगे और कैसे उन्हें समझा पाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं या फिर वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आप कैसे समझ पाएंगे? ऐसे केसेस में लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम हमारा बचाव करता है। तो हम कैसे एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं जो आपका वॉइस कमांड अंग्रेजी भाषा में ले और इसे फ्रेंच या हिंदी या और किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे या परिवर्तित कर दे। दोस्तों, मैं नितिन और यह द एआई यूनिवर्सिटी चैनल है। इस वीडियो में मैं एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन बेस्ड छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा जहां आप जैसे यूज़र कंप्यूटर माइक्रोफोन के ज़रिए या किसी भी अन्य उपकरण के माध्यम से अपनी भाषा में इनपुट के रूप में वॉइस कमांड दे पाएंगे। इसके बाद कैप्चर किया गया वॉइस कमांड एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन मॉड्यूल को ट्रिगर करेगा जो इस भाषा को आपकी पसंद की किसी अन्य भाषा में परिवर्तित कर सकता है। इस प्रोजेक्ट के बारे में अमेजिंग बात यह है कि सब कुछ नियर रियल टाइम में होगा। सबसे पहले मैं इस एप्लीकेशन का डेमो दूंगा और फिर हम इस लैंग्वेज ट्रांसलेशन को पाइथन भाषा का उपयोग करते हुए शुरू से बनाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप यहाँ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो 21वीं सदी की सबसे हॉट टेक्नोलॉजीज के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सभी आवश्यक जुपिटर नोटबुक को एक्सेस करने के लिए लिंक वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्पीच रिकॉग्निशन के बेसिक्स या मूल बातें समझाने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो सीरीज़ बनाई हुई है, तो आप अगर स्पीच रिकॉग्निशन के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो सीरीज़ को देखें। आपको बताना चाहूँगा कि उस वीडियो सीरीज़ में मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना सिखाया है जहाँ मैंने एप्लीकेशन को वॉइस कमांड देने के लिए स्पीच रिकॉग्निशन का उपयोग किया था, जिससे हमारी एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र में YouTube.com वेबसाइट को अपने आप खोल दे और हमारे बोले गए कीवर्ड या सेंटेंस को खुद से समझकर उससे संबंधित वीडियो सर्च करके उसे प्ले कर दे। तो चलिए सीधे जुपिटर नोटबुक खोलते हैं और आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर एप्लीकेशन का डेमो देते हैं। मैं अंग्रेजी में एक वाक्य बोलूँगा और हमारी एप्लीकेशन उसका हिंदी भाषा में अनुवाद कर देगी और आप तभी की तभी नियर रियल टाइम में हिंदी में अनुवाद सुन पाएंगे। चलिए मैं सेल रन करता हूं। हेलो, हाउ इज द वेदर टुडे? इजंट इट ग्रेट? लेट मी स्पीक आउट अनदर सेंटेंस नाउ। हेलो, हेयर इज योर फूड। आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बेसिक एप्लीकेशन है और आप चाहें तो इसके पाइथन कोड में चेंजेस करके इसे एक एडवांस एप्लीकेशन बना सकते हैं। ऐसी लैंग्वेज ट्रांसलेशन ब्लूटूथ डिवाइस जो रियल टाइम में लैंग्वेज ट्रांसलेट कर पाएँ amazon.in की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, तो आप उन डिवाइसेस को अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का पाइथन कोड देखते हैं। पहले सेल में मैं कुछ ज़रूरी पाइथन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर रहा हूँ जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनाने में काम आएंगी। पहली लाइब्रेरी है स्पीच रिकॉग्निशन जो हमारी वॉइस या स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगी। दूसरा पैकेज है गूगल ट्रांस जो कि गूगल ट्रांसलेट API का यूज़ करके आपका इनपुट एक भाषा में लेगी जैसे इंग्लिश और उसको ट्रांसलेट करेगी या परिवर्तित करेगी किसी और भाषा में जैसे हिंदी। तीसरा पैकेज है GTTS जिसका पूरा मतलब है गूगल टेक्स्ट टू स्पीच। यह पैकेज दूसरे पैकेज जिसका नाम है OS उसके साथ मिलकर टेक्स्ट को स्पीच में बदल देगी और फिर उस ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को ऑडियो के रूप में प्ले कर देगी। आप इन पैकेजेस को पिप इंस्टॉल और उपयुक्त पैकेज का नाम देकर इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो कमांड लाइन पर टाइप करें या फिर जुपिटर नोटबुक पर। अगर आप जुपिटर नोटबुक से इन पैकेजेस को डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो पिप से पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं। नेक्स्ट लाइन में मैं दो रिकॉग्नाइजर क्लास पर आधारित ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ
जिनका नाम रिकग वन और रिकग टू है। फिर मैंने माइक्रोफोन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने एमसी दिया है। यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट साउंड मैपर इनपुट नाम का माइक्रोफोन यूज़ कर रहा हूँ जिसकी डिवाइस इंडेक्स वैल्यू 0 है। अगर आप डिवाइस इंडेक्स वैल्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब माइक्रोफोन का इनपुट कैप्चर करने के लिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो माइक्रोफोन सुनने के लिए, हम रिकॉग्नाइजर क्लास से संबंधित लिसन मेथड का उपयोग कर रहे हैं। यह लिसन मेथड एक इनपुट आर्गुमेंट लेता है जो कि और कुछ नहीं ऑडियो सोर्स है। ये माइक्रोफोन से इनपुट लेने की कोशिश तब करता है जब तक कि उसे कुछ सुनाई ना दे। यहाँ पर आप कुछ प्रिंट स्टेटमेंट भी देख सकते हैं जो कि विद ब्लॉक के अंदर दिए गए हैं। ये प्रिंट स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशनल मैसेज हैं जो कि हमें सही कार्य करने के लिए गाइड करेंगे। नेक्स्ट लाइन में एक इफ़ कंडीशन ब्लॉक है जो कि हमारी एप्लीकेशन को बताएगा कि हम ट्रांसलेशन शुरू करने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि यह इफ़ कंडीशन पहले चेक करेगी कि क्या हमारे वॉइस कमांड में हेलो शब्द बोला गया है कि नहीं। अगर उसको हेलो शब्द सुनाई देता है तो वो आगे के दिए गए पाइथन कोड को एग्जीक्यूट करेगी। अगर आप ऊपर देखें तो आप पाएंगे कि मैंने एक इंफॉर्मेशनल मैसेज दिया है, स्पीक हेलो टू इनिशिएट द ट्रांसलेशन, और इसलिए हम इफ कंडीशन में हेलो शब्द को चेक कर रहे हैं। जो रिकॉग्नाइज गूगल मेथड है वो स्पीच को टेक्स्ट में बदलने में आपकी हेल्प करेगा। अगर उस टेक्स्ट में हेलो शब्द है तो बाकी की लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा जहां हम रिकग वन ट्रांसलेटर जैसे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि नीचे दिए गए पाइथन कोड में यूज़ होंगे। हमारे पास दो और वेरिएबल्स हैं जिनका नाम है फ्रॉम अंडरस्कोर लैंग, जो कि स्टोर करता है उस लैंग्वेज की संक्षिप्त वैल्यू को जिसको हम ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। हमारे केस में उसकी वैल्यू है en फॉर इंग्लिश। दूसरा वेरिएबल है टू अंडरस्कोर लैंग, जो कि स्टोर करता है उस लैंग्वेज की संक्षिप्त वैल्यू को जिसमें हम ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। हमारे केस में उसकी वैल्यू है hi फॉर हिंदी। अगले ब्लॉक में हम एक और विद ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि हम एक्चुअल सेंटेंस जिसको कि हम ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं उसको सुन या कैप्चर कर पाएँ। आप देख पाएंगे कि मैं एक और इन्फॉर्मेशनल मैसेज यूज़र को दे रहा हूँ ताकि यूज़र उस मैसेज को पढ़कर अपना एक्चुअल सेंटेंस जो कि वो ट्रांसलेट करना चाहता है बोल सके। नेक्स्ट ट्राई ब्लॉक वो जगह है जहाँ ट्रांसलेट करने का पूरा लॉजिक लगा हुआ है। ट्राई ब्लॉक में हम पहले स्पीच को टेक्स्ट में बदल रहे हैं रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल मेथड का यूज़ करके। ये मेथड ऑडियो सेंटेंस को एज अ इनपुट आर्गुमेंट ले रहा है। ये वो सेंटेंस है जिसको हम ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। गेट अंडरस्कोर सेंटेंस वो वेरिएबल है जो इस सेंटेंस की वैल्यू होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट लाइन में मैं ऑडियो सेंटेंस को प्रिंट कर रहा हूँ ताकि मुझे पता लग सके कि मैंने जो सेंटेंस बोला था वो वही सेंटेंस था जो मैंने एक्चुअली बोला था। फिर मैंने ट्रांसलेट मेथड जो कि ट्रांसलेटर ऑब्जेक्ट से संबंधित है उसका यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं इंग्लिश टेक्स्ट को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाऊँ। इस मेथड में हम तीन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। पहला वो सेंटेंस जिसको कि हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, दूसरा SRC या फिर कहें तो सोर्स लैंग्वेज जिससे हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तीसरा आर्गुमेंट DEST और डेस्टिनेशन है जो कि वो लैंग्वेज है जिसमें हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं। आप चाहें तो इंग्लिश और हिंदी की जगह कोई और लैंग्वेज जैसे फ्रेंच और इटालियन या कोई और लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं टेक्स्ट एट्रीब्यूट वैल्यू टेक्स्ट टू ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट से निकाल रहा हूँ। ये वो टेक्स्ट है जो हिंदी में ट्रांसलेटेड है। अगली लाइन में मैं ये ट्रांसलेटेड हिंदी टेक्स्ट GTTS ऑब्जेक्ट में आर्गुमेंट की तरह पास कर रहा हूँ। यहाँ दो और पैरामीटर हैं, टू अंडरस्कोर लैंग और स्लो इक्वल्स टू फॉल्स। अगर हम स्लो इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू सेट करते हैं तो टेक्स्ट बहुत धीरे धीरे पढ़ा जाएगा। इस ऑपरेशन की वैल्यू में एक वेरिएबल जिसका नाम स्पीक है उसमें स्टोर कर रहा हूँ। इसे मैं एक मेथड जिसका नाम सेव है उसकी मदद से सेव कर रहा हूँ। इस सेव्ड फाइल का नाम मैंने captured_voice.mp3 दिया हुआ है जो कि आपकी करंट डायरेक्टरी में सेव हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन में मैं OS मॉड्यूल के एक मेथड जिसका नाम सिस्टम है उसका यूज़ करके फाइल को प्ले करने की कोशिश करूँगा।
अगर आप सोच रहे हैं कि कौन कौन से लैंग्वेजेस हम ट्रांसलेट कर सकते हैं और उनके संक्षिप्त दो लेटर वर्ड क्या हैं, तो आप ये दूसरा सेल दे सकते हैं जहां पर मैंने सारी गूगल ट्रांसलेट एपीआई की सपोर्टेड लैंग्वेजेस प्रिंट की हुई हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आने वाले समय में मैं लेकर आऊँगा कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, तो देखते रहिए। ये रहा आज का सवाल, GTTS की फुल फॉर्म क्या है? कृपया अपने जवाब, टेक्निकल सवाल या फिर कमेंट्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही समय है सब्सक्राइब करने का। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पा सकें। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।